ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 24 घंटे में दूसरा समन जारी किया है। अब जांच एजेंसी के सामने राउत की पेशी 1 जुलाई को होगी। राउत से पात्रा चौक जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज लाने को भी कहा गया है। इससे पहले ईडी ने पात्रा चौक जमीन घोटाले केस में पूछताछ के लिए राउत को 29 जून को हाजिर होने का नोटिस दिया था। उनके वकील ने मुंबई ईडी ऑफिस जाकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। आपको बता दें कि राउत के वकील विकास ने मंगलवार को कहा कि ईडी का समन सोमवार को संजय राउत को मिला, लेकिन वह बहुत लेट आया था। तो वहीं ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन इतने कम समय में डॉक्यूमेंट्स लाना मुश्किल है, हमें मोहलत मिल गई है। उधर नोटिस मिलने के बाद संजय राउत ने अलीबाग में एक मीटिंग का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी। इससे पहले उन्होंने सोमवार को ईडी का समन को साजिश करार देते हुए ट्वीट भी किया था। अब मैं समझता हूं कि ईडी मुझे अपना समन क्यों भेजा है। अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहब के हम सभी शिव सैनिक एक लंबी लड़ाई में शामिल हो गए हैं, या साजिश चल रही है। मेरी गर्दन कट जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। चलो मुझे गिरफ्तार करो। जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।